आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है मानव बस्ती। जियोग्राफी 12th क्लास का एक चैप्टर है। वेरी इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, कंटेंट आपके लिए तैयार किया गया है बड़ा ही शॉर्ट में, ताकि आपको समझ में आ सके। इसके लिए शेखावाटी मिशन का जो पीडीएफ है वो भी डाला हुआ है, तो अपने चैनल पे आप विजिट करें और अच्छे मार्क्स बनाने के लिए तैयार हो जाएं। समय बहुत कम है, द्वार्षिक परीक्षा घोषित हो चुकी है। वार्षिक परीक्षा में 100% आएगा, द्वार्षिक परीक्षा में भी आपके 100% सिलेबस आने वाला है। बढ़ते हैं अपने कंटेंट की ओर कि मानव बस्तियां क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मानव बस्ती का आपको ध्यान है कि जहां मानव बस जाता है और अपना निवास बना लेता है, बस्तियां बना लेता है, यानी घरों, वो घरों का आकार जहां पे मनुष्य रहता है उन्हें क्या कहते हैं, बस्ती। और बस्तियों की फैलाव की बात करें तो ये पल्ली यानी झुंगी झोपड़ियों से लेकर महानगरों तक हो सकता है। बस्तियां झुंगी झोपड़ियों में भी हो सकती हैं, महानगरों में हो सकती हैं। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर की बात हम सबसे पहले करेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया बस्ती क्या है, बस्ती का फैलाव कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। दो प्रकार की बस्तियों में अंतर करेंगे हम। ग्रामीण बस्तियाँ, गांव की जो बस्तियाँ होती हैं, गांव के जो घर हैं, आपको ध्यान है कि गांव में घर नज़दीक भी हो सकते हैं, गांव में घर दूर दूर भी हो सकते हैं, गांव में घर ढाणियों में भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से मानव बस्तियां कितने प्रकार की होती है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्तियों में अंतर करेंगे। नगरीय मतलब शहरी। तो ग्रामीण बस्तियां होती हैं वो आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति प्राथमिक क्रियाओं से करते हैं। गाँव के जो लोग होते हैं, आपको ध्यान है, गाँव के लोग या तो खेती करते हैं या पशुपालन करते हैं, यानी उनकी आधारभूत आवश्यकता इन दो क्रियाओं से ही पूरी हो जाती हैं, जिनको हम प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। आर्थिक जो अपनी अर्थव्यवस्था है, आर्थिक क्रियाएं तीन प्रकार की मानी गई हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जिसको कह सकते हैं, तीन प्रकार की होती हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो प्राथमिक क्रियाएं ग्रामीण बस्तियों का आधार होता है। ग्रामीण बस्तियों का जो भोजन कच्चे माल के रूप में नगरीय निवासियों को सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ये जो कच्चा माल है जो कृषि पशुपालन से होता है, ये शहरों में जाता है और शहरों में फैक्ट्रियां लगी होती हैं और उनसे तैयार माल फिर गांव में आता है। ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं, इसलिए इनके जो सामाजिक संबंध होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलने जुलने वाले संबंध होते हैं, वो घनिष्ठ होते हैं। नगरीय बस्तियों की बात करेंगे अब। ग्रामीण बस्तियां आपको समझ में आ गई, नगरीय बस्तियां समझें। नगरीय बस्तियां द्वितीय और तृतीय क्रियाएं यानी विनिर्माण और सेवा पर निर्भर होती हैं। विनिर्माण यानी उद्योग लगे होते हैं, तो जैसे कि गेहूं खेत में पैदा हुए कच्चा माल गांव के लोगों ने तैयार किया, उस माल को फैक्ट्री में भेजा गया और वो माल बिस्किट के रूप में तैयार हो गया, वो विनिर्माण हुआ, फैक्ट्री में बना। सेवाएं यानी वो जो बिस्किट तैयार हुआ पुनः गांव की दुकानों में चला जाएगा, तो वो हो गया सेवा संबंधी कार्य। यानी यहाँ दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक तो हो गए विनिर्माण और एक हो गए सेवा संबंधी। नगरीय बस्तियां नोड के रूप में काम करती हैं, यानी आर्थिक विकास में नोड का काम करती हैं नगर वाली बस्तियां, और ग्रामीण बस्तियों को कच्चे माल के बदले वस्तु और सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। नगरीय क्षेत्र में जीवन का जो ढंग है वो जटिल और तीव्र होता है और सामाजिक संबंध है वो महज औपचारिक होते हैं, एक दूसरे से जो संबंध है वो घनिष्ठ नहीं होते। आपको ध्यान है कि गांव के लोग मिलते जुलते ज़्यादा है, शहरों के लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं होता। तो ये जो संबंध होते हैं इनके, ये कौन से बोलेंगे हम, सिर्फ औपचारिक। कैसे संबंध होते हैं, सिर्फ औपचारिक संबंध होते हैं इनके बीच। बस्तियों के प्रकार की बात करेंगे हम। बस्ती कितने प्रकार की होती हैं, जैसे भौतिक लक्षण के आधार पर, पहले तो हम इनके प्रकार देखें, भूभाग की प्रकृति कैसी है, ऊंचाई है, जलवायु कैसी है वहाँ की, जल उपलब्ध है या नहीं है, सामाजिक और मानव जातीय कारक कौन से, जैसे जाति और धर्म संबंधी कारक,
सुरक्षा संबंधी कारक, चोरी और डकैती की सुरक्षा वहाँ है या नहीं है, तो लोग कहाँ बसेंगे? जहाँ भूभाग की आकृति है वो समतल हो, ऊबड़ खाबड़ जगह नहीं हो, जलवायु अच्छी हो, सम जलवायु हो, पानी वहाँ उपलब्ध हो, वहीं लोग बसना पसंद करते हैं। जाति धर्म के झगड़े ज़्यादा नहीं हों, डकैती आदि से सुरक्षा हो, ये कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं बस्तियों को। तो भारत की ग्रामीण बस्तियों को चार भागों में बांटा गया है। एक तो गुच्छित, संकुचित और संकेंद्रित होती, गुच्छे के रूप में होती, उनको कहते हैं गुच्छित। और ये हैं, ये आयताकार एरिया रेखिक आकृति में हो सकती हैं। और ये कहाँ कहाँ होती हैं ये भी देख लें। मध्य भारत का बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्व का जो नागालैंड क्षेत्र है, राजस्थान में अर्धगुच्छित हैं या विखंडित बस्तियाँ, यानी दूर, थोड़ी दूर दूर, वो कहाँ पाई जाती हैं? गुजरात और राजस्थान के कुछ भाग में। और जो पल्ली बस्तियाँ हैं, भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक इकाइयों के रूप में बटी होती हैं, किंतु उन सब का नाम एक ही रहता है, यानी दूर दूर बसी होती हैं। और इनमें कौन सी हैं? जैसे गंगा के मैदानों में, छत्तीसगढ़ में, हिमालय की निचली घाटियों में। और पल्लियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? पल्ली को स्थानीय भाषा में कहते हैं पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी। ढाणी तो आप समझते ही हो, उनको भी पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला कहते हैं। प्रक्षित या एकांकी बस्तियाँ, जो एक एक झोंपड़ी के रूप में हों, दूर दूर बसे हों, खेतों में बसे हों या दूर जंगलों में बसे हों, कहीं झोंपड़ी बांध ली, चारागाह में बांध ली, या फिर कहीं जंगल में दूर जाकर किसी खेत में बांध ली, ऐसे होती हैं, उनको कहते हैं एकांकी बस्तियाँ या प्रेक्षित। ये पाई जाती हैं मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल के अनेक भागों में। नगरीय बस्तियाँ, नगरीय बस्तियों को फिर तीन भागों में बांटते हैं। प्राचीन नगर, प्राचीन नगर वाले जो पुराने शहर बसे हुए हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर हैं वाराणसी, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पुराना नगर है। और इसके अतिरिक्त जैसे प्रयाग है, पाटलिपुत्र है, पटना जो कि आधुनिक पटना है, पहले पाटलिपुत्र हुआ करता था, प्रयाग राज को पहले इलाहाबाद कहते थे, जिनका विकास धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हुआ था। मध्यकालीन नगर जैसे दिल्ली, जयपुर, आगरा, हैदराबाद, लखनऊ, नागपुर, ये शहर जिसे नगर, जिनका विकास राजा रजवाड़ों के समय हुआ था, मुख्यालय बनाया राजाओं ने अपना, मध्यकालीन नगर ही आधुनिक नगर के रूप में, जो कि वर्तमान में देश स्वतंत्र होने के बाद लगभग उसी समय बने हैं, उनको कहते हैं। जैसे पर्वतीय नगर हो गया शिमला, और औद्योगिक नगर हो गया जमशेदपुर, जहाँ बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है टाटा की, जमशेदपुर, जमशेद जी टाटा ने बसाया था। पतन नगर के रूप में सूरत और गोवा है। प्रशासनिक नगर के रूप में चंडीगढ़ है। औद्योगिक केंद्रों के रूप में जैसे दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बारौनी, यहाँ बड़े बड़े स्टील फैक्ट्रियाँ वो लगी हुई हैं, इस्पात उद्योग लगे हुए हैं। कुछ पुराने नगर महानगरों में चारों ओर अनुसंगी नगरों के रूप में विकसित हुए हैं, जैसे दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद बसाया गया, रोहतक और गुरुग्राम आदि बसे हुए हैं। इसमें नगरीकरण इस प्रकार से दिखाया गया है, एक सारणी तैयार की गई है। अब हम नगर किसे कहते हैं? 1 लाख से अधिक जो जनसंख्या का शहर होगा उसको क्या कहेंगे? नगर कहेंगे। महानगर किसको कहेंगे या कहेंगे मेट्रो सिटी, तो उसको कहेंगे 10 लाख से 50 लाख के जनसंख्या वाले को। मेगा शहर किसको कहेंगे? मेगा शहर का एक दूसरा नाम भी है, मेगापोलिस। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को कहते हैं मेगापोलिस। नगरीय संकुल किसको कहेंगे? जो बहुसंख्यक महानगर है, और ये कौन सा है? बृहद मुंबई को कहेंगे। ये याद रखें आप, इनमें से कोई भी एक छोटे प्रश्नों के रूप में पूछ लिया जाएगा, आपको याद हो। नगरों का जो प्रकार्यात्मक वर्गीकरण, यानी ये क्या काम करते हैं, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो प्रशासनिक नगर के रूप में जैसे चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलांग, जयपुर, और औद्योगिक नगर जहाँ बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं जैसे मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई,
परिवहन नगर पतन के रूप में, जो बंदरगाह के रूप में एक देश से दूसरे देश को आयात और निर्यात करते हैं, उनको कहते हैं परिवहन नगर। पतन नगर भी इनको कहते हैं। जैसे कांडला है जो कि गुजरात में, कोच्ची, कोच्चिकोड, विशाखापट्टनम आदि। वाणिज्यिक नगर जो कि व्यापारी के शहर के रूप में काम करते हैं, ये कौन से हैं? कोलकाता, सहारनपुर, सतना। खनन नगर के रूप में जैसे रानीगंज है, पश्चिमी बंगाल में है, झरिया झारखंड, डिगबोई असम, अंकलेश्वर गुजरात, सिंगरौल मध्य प्रदेश, सिंगरौली मध्य प्रदेश। गैरीसन नगर, ये कई बार पूछा जाता है, गैरीसन नगर किसको कहते हैं? छावनी नगर को कहते हैं, और जहाँ कैंट बनी हुई हो, आर्मी कैंट। अम्बाला, जालंधर, महू, बबीना, उदयपुर, उधमपुर, उदयपुर नहीं है, उधमपुर जम्मू में। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, जैसे धर्म और संस्कृति संबंधित गतिविधियाँ होती हैं वहाँ, जैसे वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, पुष्कर। पुष्कर में जैसे ब्रह्मा जी का मंदिर है, तिरुपति में जैसे बालाजी का मंदिर है, हरिद्वार, उज्जैन, महाकालेश्वर का मंदिर है। शैक्षिक नगर, शिक्षा नगरी के रूप में जैसे रुड़की है, वाराणसी है, अलीगढ़ है, पिलानी है, इलाहाबाद है। पर्यटन नगर, जहाँ लोग घूमने के रूप में काम मिले, जैसे नैनीताल जाएंगे लोग, मसूरी जाएंगे, शिमला जाएंगे, पंचमढ़ी जाएंगे, जोधपुर जाएंगे, जैसलमेर जाएंगे, उड़मंगलम जाएंगे, यानी ऊटी जिसको कहते हैं, दक्षिण भारत का एक प्रमुख जगह है घूमने का, ऊटी। और माउंट आबू राजस्थान का प्रमुख नगर, राजस्थान का प्रमुख पर्यटक शहर मान लें, जगह मान लें माउंट आबू। तो ये मानव बस्ती से संबंधित मानव भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक हमने कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में आपका यहाँ से एक भी गलत नहीं होगा। आपने अगर ध्यान से सुना है, एक बार में समझ में नहीं आया तो दूसरी बार सुन लें इसको। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।